टू नेहरू साइंस सेंटर 75 केमिस्ट्री फैक्ट्स, और आज का हमारा टॉपिक है फ्रूट्स के ऊपर। सो फ्रूट्स का क्या यूज होता है? तो फ्रूट्स जो है बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं, हम उसे खाते भी हैं, हमें एनर्जी देता है फ्रूट। मतलब प्लांट स्पेसिफिकली एनिमल्स खाए और एनर्जी ले, इसके लिए उसका खुद का भी तो कुछ स्वार्थ होता होगा ना फ्रूट्स बनाने के पीछे का। यस डेफिनेटली, तो उनको भी तो अपनी रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करनी है, इसकी वजह से वो इतना अट्रैक्टिव फ्रूट बनाते हैं और उसके अंदर होता है सीड जो उनकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। मतलब एनिमल उसको कंज्यूम करेंगे, सीड उसके पेट में जाएगा और दूसरी जगह पे जाके उसको डंप कर देंगे और वहां पे न्यू प्लांट होगा। yes. पर इस प्रोसेस में एक लूप होल नजर आता है। क्या? मान ले कि भाई वो सीड जो है अंदर का, हाँ? वही इमैच्योर है। okay. और प्लांट और एनिमल ने उसको खा लिया, थोड़ी ना दूसरी जगह पे प्लांट होगा। राइट right. तो ये जो है, ये जो नेचर होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं। ओके अभी इस लूप होल को भी कवर अप करने के लिए वो थोड़े इंडिकेशंस देते हैं एनिमल्स को। ओके तो उस इंडिकेशन को हम लोग ना इंग्लिश में फ्रूट राइपनिंग करके बुलाते हैं। yes. जैसे हम लोग अभी काउंट करते हैं, क्या क्या होता है फ्रूट राइपनिंग में? ओके सो फ्रूट राइपनिंग में पहले तो टेस्ट जो होता है वो स्वीट हो जाता है फ्रूट का, टेस्ट चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। फिर जो दूसरा होता है ना, वो उसकी जो आउटर वॉल होती है फ्रूट की, आउटर कवरिंग होती है, वो पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, ताकि जो अंदर का सीड है वो इजीली एक्सेसिबल हो। करेक्ट। और सबसे मेजर इंडिकेशन कौन सा होता है? विजुअल इंडिकेशन, राइट? यस। कलर चेंज? यस राइट, कलर कंप्लीटली चेंज हो जाता है जब वो पूरा राइप हो जाता है फ्रूट। ओके तो ये सब तो है, पर इन सब को अचीव करने के लिए प्लांट्स बहुत ही स्मार्टली क्या यूज करते हैं? बायोकेमिस्ट्री। तो हम लोग आज वही आसान भाषा में थोड़ा सा आपको बताएंगे। yes. जैसे कि फ्रूट के अंदर होता है स्टार्च, सो एक एमाइलेज करके एंजाइम होता है। वो एंजाइम क्या करता है? स्टार्च का ब्रेकडाउन ट्रिगर करता है, स्टार्च शुगर बन जाता है ब्रेकडाउन। yes. और उसकी वजह से जो फ्रूट है वो हमें स्वीट टेस्ट आता है, स्वीट टेस्ट देता है। दूसरा जो है उसका जो थिनिंग होता है ना आउटर वॉल का, तो उसके लिए भी एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, पेक्टिनेस। तो पेक्टिनेस क्या करता है? प्लांट के जो फ्रूट है उसकी सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने का ट्रिगर देता है। ओके उसकी वजह से वो थिन हो जाता है। और जो तीसरा है कलर चेंज, कलर चेंज वो भी तो इम्पोर्टेंट है, सबसे मेजर विजुअल इंडिकेशन। यस सो उसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, कार्केनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स, ये उसकी स्किन को कलर देते हैं। yes. जो कि एक एज ए इंडिकेटर काम करता है। क्या ओनली कलर देने का ही काम होता है उनका? ना, वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। Okay. वो फ्रूट का लाइफ बढ़ाने का काम करते हैं। wow. so, देखिए प्लांट कितना स्मार्टली यूज करते हैं, नहीं बायोकेमिस्ट्री को बहुत ही स्मार्टली यूज करते हैं अपने रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए और जंगल को बनाए रखने के लिए। यस सो ये था हमारा आज का केमिस्ट्री फैक्ट। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।